अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्लास 11 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, टॉपिक शॉर्ट पर्सन टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट पर्सन टाइप क्वेश्चन कॉमन होते हैं, दो मार्क्स के क्वेश्चन या एक मार्क्स के क्वेश्चन, इसलिए आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे कल हमने पढ़ा कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उसके लिए हमने जाना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। तो आज मैंने यहां पर लिखा हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया, इसका आंसर है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हमने ये जाना कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी तरह से आपसे सवाल पूछा जाएगा Who is well known as the father of the nation? Father of the nation किसको बोलते हैं? Father of the nation N.K. Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, इसको बोलते हैं father of the nation, या इसको हम बोलते हैं बापू या राष्ट्र पिता। इसी तरह से आपसे सवाल पूछा जाएगा Who is well known as the father of the Indian Constitution? Father of the Indian Constitution या मेकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और मेकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फाउंडर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह से यहां पर मैंने लिखा एक और सवाल, आपसे सवाल पूछा जाएगा व्हाई फंडामेंटल राइट्स have been borrowed. Fundamental rights have been borrowed from the Constitution of USA. Fundamental rights जो हमारे Constitution में है, जैसे first fundamental right is right to equality. ये fundamental rights जो हमारे जितने भी fundamental rights हमारे Constitution में है, और fundamental rights have been borrowed from the Constitution of USA. It means it is a formal copy of USA Constitution. Fundamental duty. Fundamental duties. Why I have been borrowed these fundamental duties? Fundamental duties have been borrowed from the Constitution of USSR. इसको हम 1991 से पहले हम इसको बोलते हैं USSR 1991 से पहले। In a union of Soviet Socialist Republic, Russian Constitution से fundamental duties जो है, इनको निकाला गया और ये कारण कार्य है Russian Constitution के और ये हमारे Constitution में mention थे। तो अब हमें जाना कि फंडामेंटल राइट्स हैव बीन बोरो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए एंड फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन बोरो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर। इसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और चैप्टर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन बोरो, यानी दीस प्रिंसिपल्स हैव बीन बोरो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईस्ट आयरलैंड, जिसको हम बोलते हैं आयरलैंड एक यूनिट है, तो उसी के कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को कार्बन कॉपी किया गया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है। आपसे सवाल पूछा जाएगा हु से जय हिंद, जैसे बोलते आम बोर्ड यह है कॉमन बोर्ड यह है जय हिंद। आमतौर हम जब भी हम किसी फौजी को देखते हैं तो हम कहते हैं जय हिंद, तो ये लफ्ज जो है जय हिंद ये किसने कहा, ये किसने कहा जय हु से जय हिंद? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस से जय हिंद, यानी इसी का लफ्ज है, उसी ने इसका इस्तेमाल किया जय हिंद ज्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसलिए इसका इस्तेमाल। इसी तरह से आपसे सवाल पूछा जाएगा व्हेन इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फाउंडेड, या हु फाउंडेड इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड इंडियन नेशनल आर्मी। आईएनसी इट्स गुड फॉर दिस इंडियन नेशनल कांग्रेस। नाउ क्वेश्चन इज हु फाउंडेड दिस इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस एलन ओक्टेवियन ह्यूम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ए ओ ह्यूम, एलन ओक्टेवियन ह्यूम, ये एक रिटायर्ड सिविल सर्विस ऑफिसर था, ब्रिटिश सिविल सर्विस ऑफिसर था, तो इसी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद डाली
28 दिसंबर 1885। इसी तरह से आपसे सवाल पूछा जाएगा, हु फाउंडेड बीजेपी? बीजेपी वॉज फाउंडेड बाय, बीजेपी जो है इससे पहले ये जनसंघ था और जनसंघ को कन्वर्ट किया गया 1980 में, इसका नाम जो है बदल रहा गया जनसंघ का और जनसंघ को कन्वर्ट किया गया बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी 1980 में, बाय अटल बिहारी वाजपेयी एंड लाल कृष्ण एडवाणी। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेल नोन एज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि किस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे बड़ा है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज द शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज द शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इसी तरह से जो है इंडिया जो है इट इज वेल नोन एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। हिंदुस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, अमेरिका और हिंदुस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया, दीज आर वेल नोन एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट अनइंपॉर्टेंट।